नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। आरोपी अक्षय शिंदे ने जिन दो बच्चियों के साथ किया था दुष्कर्म, उनमें से एक बच्ची की मां ने अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर दी प्रतिक्रिया, कहा कि ये तो होना ही था, आरोपी को एक न एक दिन मिलनी थी सजा। मुंबई की कोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया धोखाधड़ी मामले में बीजेपी नेता मोहित कंबोज और अनिल को दी बड़ी राहत, कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी स्वीकारा। बदलापुर केस के आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। पिता ने आरोप लगाए कि बदलापुर मामले में सबूत मिटाने के लिए उनके बेटे की कर दी गई थी हत्या। पिता की याचिका पर आज होगी सुनवाई। वर्षों से मुंबई की अंडरग्राउंड मेट्रो में सफर करने का यात्रियों का इंतजार जल्द होगा खत्म। मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन यानी MMRC की MD अश्विनी भिड़े के अनुसार आरए से BKC के बीच मेट्रो 3 कॉरिडोर की सेवाएं अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है शुरू। आरए से BKC के बीच मेट्रो 3 कॉरिडोर की सेवाएं जल्द होंगी शुरू। यह सफर केवल 22 मिनट में होगा पूरा, जो अभी लेता है 1 घंटा। पहले फेज में 12 किलोमीटर से लंबे मार्ग पर रोजाना चलेगी 96 फेरियां। वहीं किराया होगा 10 से 50 रुपए तक। मुंबई में BMC ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंचने वाले सर्विस रोड को बनाया जाएगा सीमेंटेड। BMC इस पर 1600 करोड़ रुपए करेगी खर्च और काम 3 साल में होगा पूरा। इस परियोजना के पूरा होने पर हजारों लोगों को रोज मिलेगा राहत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, बदलापुर यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे का खून बहने की वजह से हुई मौत। अक्षय के सर में लगी थी गोली, गोली लगने की वजह से बह गया ज्यादा खून, जिसकी वजह से उसकी तत्काल हुई मौत। अमित शाह की अध्यक्षता में संभाजी नगर में हुई एक अहम बैठक, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता थे मौजूद। बैठक में बीजेपी को 155 से 160 सीटें, शिंदे गुट को 80 से 85 सीटें, अजीत पवार गुट को 55 से 60 सीटें देने पर किया गया विचार। 5 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रहेंगे महाराष्ट्र दौरे पर। वह सीधे जाएंगे कोल्हापुर, जहां संविधान सम्मेलन में होंगे शामिल। इस सम्मेलन के जरिए वे आरक्षण का उठाएंगे मुद्दा। मुंबई में चोर होने के शक में 2 नाबालिगों को पिटने के मामले में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला किया दर्ज, एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार, बाकी 2 आरोपियों की तलाश है जारी। आरोपियों ने नाबालिगों को पिटने के बाद निर्वस्त करके जुहू इलाके में था घुमाए। फिलहाल के इतना ही, इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।